गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर रीडिंग अबाउट द व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इन विच वी हैव ऑलरेडी रेड मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। नाउ द कोर्ट teachers comes out from this the rule of the law and respect for rights। जैसा कि आपने देखा कि जिम्बाब्वे ने जब इंडिपेंडेंस ग्रहण की वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980 में, तो सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ। जब से 1980 से जिम्बाब्वे को जो स्वतंत्रता मिली है, तब से इनकी राष्ट्रपति जानू पीएफ रहे हैं। वहाँ द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने जो है वो, ये वो पार्टी है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल किया था, जिनके स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, जो इसके जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, हैज बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। अब जब से देखा जाता होगा तब से वो रूलिंग कर रहे थे। इलेक्शन है हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज गोन बाय द जानू पीएफ। अब रेगुलरली इलेक्शन भी रेगुलरली हो रहे थे, हर बार जानू पीएफ भी जो है जीतते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे इज पॉपुलर बट आल्सो यूजेस अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। हालांकि जो वहां के प्रेसिडेंट मुगाबे, रॉबर्ट मुगाबे थे, वो बहुत ही पॉपुलर थे, लेकिन वो इलेक्शन के टाइम जो है फिर कुछ जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस भी इस्तेमाल करते थे। ओवर द ईयर द गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब काफी बार, यानी कि ओवर द ईयर ही गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट ने, उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए कई बार जो है संविधान को क्या किया, चेंज कर दिया, बदल दिया। एक तो होता है कि जो संविधान जो है बना हुआ है उसको जो है अमेंडमेंट की जाती है, लेकिन उन्होंने चेंज ही कर दिया टू एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसने अपना जो है जवाबदेही कम कर दिया। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास, अब अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे उन्हें हरास किया जाता था एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्बेड, और जो उनकी मीटिंग जो होती थी समय पर उन्हें डिस्टर्ब कर देते थे। एंड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। यदि कोई भी व्यक्ति मान लो पब्लिकली, यानी कि सार्वजनिक रूप से इनके जो प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है या प्रदर्शन करता है सरकार के खिलाफ, तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। और उसमें एक लॉ बना दिया गया कि जिसमें जो है क्रिटिसाइज नहीं, आलोचना नहीं की जाएगी प्रेसिडेंट की, उसकी कुछ सीमा तय कर दी गई, लिमिट्स। टेलीविजन एंड रेडियो कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। अब जो टेलीविजन मीडिया था वो भी जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल नियंत्रण होता था। एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्सन, अब जो है हमेशा जो है रूलिंग पार्टी में ही वो खबरें देते थे, उन्हीं के हक में देते थे। देयर आर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट थे, बट द गवर्नमेंट हरासेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। यदि कोई भी जर्नलिस्ट सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था तो उसे जो है हरास किया जाता था। द गवर्नमेंट हैज इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, अब जो गवर्नमेंट थी कुछ एक जो कोर्ट के जजमेंट होते थे उन्हें भी इग्नोर कर देती थी। हेल्प प्रेशराइज जजेस, और जो प्रेशराइज करते थे जजेस को जो है वो दबाव बनाया जाता था। द एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे शोस दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। अब इस एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से जो गवर्नमेंट थी, अब एक तो होता है कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और अपने मुताबिक बना लिया, तो इसमें जो है ये जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि लोग तो उन्हें चेंज करना भी चाहते हो तो भी वो कर नहीं पाते थे। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे का, ये दर्शाता है हमें
शासकों के लिए रूलर्स के लिए होना बहुत ही जरूरी है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है, मतलब ये नहीं जरूरी कि वो पॉपुलर होना ही जरूरी है उसका, बट पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि आपने देखा होगा कि पॉपुलर जो गवर्नमेंट्स होती है वो भी कई बार अलोकतंत्री अनडेमोक्रेटिक हो सकती है, जिस तरह से आपने जिम्बाब्वे में देखा। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, पॉपुलर जो लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। इफ विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, यदि हम जो है विश करते हैं कि असेस करने के लिए डेमोक्रेसी को, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, तो हमें इलेक्शन के बारे में देखना होगा। देयर शुड बी ए सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा जैसे रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी ही हमेशा इलेक्शन खेलती रहती है। आपने देखा कि कई बार कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, कई बार फिर उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट बनती है, तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि भाजपा की गवर्नमेंट है तो लोग उसी को दोबारा से जो है रिपीट करते हैं। क्यों? यदि उन्हें वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है तो उसे जो है वो चेंज कर देते हैं। तो देर शुड भी इनके फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में आपने पढ़ा, यदि होते हैं तो जो लोग हैं वो उसे अपने रूलों को चेंज कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्ड द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, कुछ एक बेसिक राइट्स जो है सिटीजन के लिए होने चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, वो सोचने के लिए फ्री होने चाहिए। टू हैव ओपिनियंस, ओपिनियन उनके व्यू क्या है, उनके विचार मत क्या है। टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, तो उन्हें जो वो सार्वजनिक रूप से जो है एक्सप्रेस करें। टू फॉर्म एसोसिएशन बना सके। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी आप एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, आप एवरीवन शुड इक्वल, सभी जो है समान होने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वेलिटी है, जिसमें जो है सभी को स्वतंत्रता, सभी को जो है इक्वेलिटी का अधिकार है, समानता का अधिकार है इन द आई ऑफ लॉ। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब जितने भी राइट्स हैं इनको जो है क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है उसके द्वारा जो है सुरक्षा भी नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्ट होना चाहिए। Whose orders are obeyed by everyone, जिसका ऑर्डर सभी को मानना होगा। आपने देखा होगा कई बार गवर्नमेंट्स के खिलाफ भी मान लो जो है, या एक स्टेट दूसरी स्टेट से कंप्लेंट करती है तो क्या होता है, हमारी जो जहाँ जुडिशरी है वो उसका निर्णय सर्वोच्च है, फ्री है, हमारी जो जुडिशरी है वो फ्री है। तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई टू वे द गवर्नमेंट टू इज रन आफ्टर इलेक्शन। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाटएवर इट लाइक्स, ये भी जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक सरकार है तो वो चाहती है वो कुछ भी कर सके। इट हैज टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रिस्पेक्ट सम राइट ग्रंटीज टू द माइनॉरिटीज। Every major decision had to go through a series of consultations. Every office leader had certain rights and responsibilities assigned by the constitution and the law. अब मान लो कोई भी government है वो जो है ये democratic government cannot do whatever it likes, यानी ये कोई democratic government है इसका ये मतलब नहीं है कि जो उसकी इच्छा होती है वो कर सकती है, simply because it has more than election. इलेक्शन की क्लियर नहीं, इट है टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल, उसे कुछ एक बेसिक रूल्स को क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है उन्हें। इन पर्टिकुलर इट है टू रिस्पेक्ट सम गारंटी, आप जो कुछ एक गारंटी जो मनाए थी उसको जो है उसे देनी है। और एवरी मेजर डिसीजन है टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, कोई भी डिसीजन होता है तो बिना कंसल्टेशन के बिना डिस्कशन के नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ऑफिस बेरर को कुछ एक राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के द्वारा दी गई हो। अब नाउ दिस इज द फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड फाइनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट
rules within limits set by constitutional law and citizen rights. Democratic government जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है, rules within the limits वो जो है कुछ सीमाओं के अंदर जो है कार्य करेगी, जो कि संवैधानिक नियमों और नागरिकों के अधिकार के हक पर आधारित जो है कुछ लिमिट्स में काम करेगी। यानी ये नहीं है कि आपने देखा होगा कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा जो खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। दिस इज द कोर एंड लास्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। नाउ समरी ऑफ डेफिनेशन, लेट अस सम अप द डिस्कशन सो फार। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट unless we explain some of the key words used in it. Through a series of examples we worked out four features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which अब democracy की क्या definition बनती है इन features के, तो हमने चार features पढ़े, उनके आधार पर rulers elected by the people take over major decisions. Elections offer a choice and fair opportunity to the people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on an equal basis. And the exercise of this choice leads to government limited by basic rules of the concerned constitution and citizen rights. So that's all about this part, features of the democracy. Now, no reading and make reading based questions. Thank you.